तो बिहार का भूगोल पढ़ेंगे जो कि इडुटेरिया बिहार तथा संकरा से है। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार में भौगोलिक रूप से बात करेंगे तो किस प्रकार का राज्य है, ठीक है? कैसा राज्य है बिहार? तो बिहार एक मैदानी राज्य है। कैसा राज्य है? तो बिहार एक मैदानी राज्य है। ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। ये नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ियों में धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। इसमें से जो डाटा जो याद रखना है ना, ये वाला विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ की चट्टान, ये बार बार निकल कर आएगा ज्योग्राफी में, ठीक है? ध्यान में ये रखना है, ठीक है? बिहार पूर्वी भारत में एक स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से तीनों भागों में विभाजित है, ठीक है? अब बिहार का विभाजन समझते हैं। तो बिहार का विभाजन समझते सबसे पर्वतीय और तराई क्षेत्र, मैदान और पठार में, ठीक है? तो दो तरह के पठार मिलेंगे, धारवाड़ का चट्टान और विंध्य का चट्टान, ठीक है? धारवाड़ की बात करेंगे तो कर्नाटक का जिला था उसके नाम पर है। विंध्य की बात करेंगे तो एमपी का एक जिला है उसके नाम पर है, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, पर्वतीय फिर तराई क्षेत्र में बात करें सोमेश्वर का पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाट, ये तीनों आपको देखने को मिलता है, ठीक है? आप चलिए, यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ठीक है? तो बिहार का भौगोलिक आकृति कभी भी पूछ रहे कैसी है, कैसा पढ़े थे हम लोग भौगोलिक के कार्य, हाँ चतुर्थ ठीक चतुर्थ है, कि अष्टकोणीय, ना, चतुष्फलकीय होगा ना। एक दो, ठीक है, आई थिंक अष्टकोणीय है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी, दून घाटी, रामनगर दून, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी, महानदी, महानंदा, ठीक है? ये सारे के सारे नदी जो है से बिहार को मतलब मैदानी क्षेत्र का दर्जा देते हैं, ठीक है? उसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप चलेंगे बिहार में तराई क्षेत्र, ठीक है? तो बिहार के उत्तर भाग में, बिहार के उत्तम पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है, ठीक है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। कहाँ पे? तो बिहार के उत्तर पश्चिम में, ठीक है? और इसका कुल क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो टोटल इसका 932 किलोमीटर है। तो पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो बिहार में इसका बात करेंगे तो कितना, 932, कितना है, 932, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखें 932, ठीक है? इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिला में, और इसे तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? तो बात करेंगे इसका कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे 932 किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है, और इसके तीन उपवर्गों में मतलब क्या किया गया, विभाजित किया गया, ठीक है? सबसे पहला की बात करें सोमेश्वर श्रेणी, तो सोमेश्वर श्रेणी जो है, ये आप देखोगे नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। किसकी सीमा निर्धारित करता है सोमेश्वर श्रेणी? तो नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करती है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है? इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है? नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित कौन करता है? तो सोमेश्वर श्रेणी करता है, ठीक है? और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है, ठीक है? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? तो 874 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है? ध्यान रखें, यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? तो बात करेंगे ये बिहार की क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछेंगे बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या बताएंगे? सोमेश्वर सोमेश्वर, ठीक है? सोमेश्वर सोमेश्वर की बात करेंगे, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितनी है इसकी सोमेश्वर की? 874 मीटर 874 मीटर, ठीक है? ध्यान में रखेंगे नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है कौन सी श्रेणी? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है? आप चलते हैं रामनगर दून चलते हैं। तो रामनगर दून की बात करेंगे तो इसका विस्तार जो हरहा नदी घाटी में है, ठीक है? कहाँ पे इसका विस्तार? हरहा नदी घाटी में इसका विस्तार है, ठीक है? और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी है इसकी? तो 240 किलोमीटर, ठीक है? तो रामनगर दून की बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है हरहा नदी घाटी में है, और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 240 मीटर है, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है दून घाटी, आता है तो दून घाटी की बात करेंगे तो इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है, ठीक है? इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है, ठीक है? हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना आपका, ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये इस घाटी को मतलब क्या बोलते हैं, हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्यों कहा जाता है, तो सोमेश्वर और रामनगर के मतलब बीच में है। हरहा नदी घाटी में तो विस्तार मुख्यतः रामनगर का है, ठीक है? लेकिन हरहा नदी घाटी किसे कहते हैं? दून को कहते हैं, ठीक है? क्योंकि सोमेश्वर और रामनगर के बीच में मतलब आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया पर्वतीय, ठीक है?
अब चलेंगे मैदानी भाग चलेंगे। तो बिहार में बात करें, बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% भाग जो है क्या आपका मैदानी है, ठीक है। कैसा है? मैदानी है, ठीक है। आप देखोगे इस मैदानी भाग में, इस मैदानी भाग का निर्माण मुख्यतः, ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। किससे हुआ है? तो गंगा और उसके सहायक नदियों के निक्षेप से, मतलब इन मैदानी भागों का मतलब क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ठीक है। और बात करें इस मैदान के मध्य में मतलब क्या बहती है, तो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इन्हें दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने में बांटा जाता है? दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, पहला जो होता है उत्तरी गंगा का मैदान होता है, ठीक है। क्या होता है? पहला क्या होता है? उत्तरी गंगा का मैदान होता है। उत्तरी गंगा का मैदान में क्या क्या होगा? तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। उत्तरी गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ से है? तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ में आप देखोगे तो इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। कहाँ से है? तो इसका ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। और ये मैदानी भाग को ना तीन दुआब में बांट सकते हैं, ठीक है। दुआब क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। दुआब का मतलब होता है, दुआब से तात्पर्य है दो नदियों के बीच के भूमि या मैदान को दुआब कहते हैं। ये सभी दुआब क्षेत्र अपने जलोद मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो भी दुआब जो होगा ना, वो दो नदियों का बीच की भूमि होगा। और जब दो नदी का बीच का जो भूमि होगा, तो भूमि क्या होता है? बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या होता है? उपजाऊ होता है, ठीक है। दुआब की बात करेंगे तो देखेंगे सॉरी घाघरा गंडक दुआब हो गया, गंडक कोसी दुआब हो गया, कोसी महानंदा दुआब हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे नदी जो है किसके, मतलब ट्रिब्यूटरी है या फिर मतलब क्या बोलते, सहायक नदी है। तो सारे के सारे नदी जो है गंगा के ही मतलब सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उत्तरी गंगा का मैदान है। तो घाघरा की बात करेंगे, गंडक की बात करेंगे, गंडक कोसी की बात करेंगे, कोसी महानंदा की बात करेंगे, तो उत्तरी गंगा मैदान का सारे के सारे क्या है, ये लोग दुआब है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बात तो उत्तरी गंगा मैदान को कितने दुआब में पार्टिसिपेट करेंगे, बांट देंगे, तो तीन दुआब में बांटेंगे, ठीक है, ध्यान में। घाघरा गंडक, गंडक कोसी, ठीक है, कोसी महानंदा, ठीक है, ध्यान में रखे। पहले घाघरा गंडक लेंगे ना, तो फिर गंडक यहाँ पे निकलेगा, गंडक कोसी, अब फिर ये कोसी यहाँ पे आ जाएगा, कोसी महानंदा, ठीक है। मतलब घाघरा गंडक, फिर गंडक कोसी, फिर कोसी महानंदा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। तो दक्षिणी गंगा का मैदान की बात करेंगे, तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार जो है छोटा है। डेट मीन अगर पूछेगा दक्षिणी गंगा का मैदान उत्तरी गंगा का मैदान में बिहार में बड़ा कौन सा है, क्या बताएंगे? उत्तरी उत्तरी गंगा का गंगा मैदान जो है बड़ा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करें इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ, ठीक है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। कितने उपवर्गों में विभाजित करते हैं? तीन, ठीक है, तीन उपवर्गों में इसको बांटते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? गंगा सोन दुआब, ठीक है। दूसरा जो होगा मगध का मैदान, तीसरा जो होगा अंग का मैदान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण गंगा का मैदान की बात करेंगे, तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार जो होता है छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को तीन उपवर्गों में बांटा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहला क्या है? गंगा सोन का दुआब, दूसरा जो है मगध का मैदान, और तीसरा जो है अंग का मैदान, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे पठार, पठार क्या होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे पठार के बारे में जब हम देखते हैं, तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ पे है? तो बिहार के दक्षिणी सीमा पे पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पठार किससे सीमा साझा करेंगे? तो झारखंड से सीमा साझा करेंगे, क्योंकि दक्षिणी सीमा पे, ठीक है, ठीक है। दक्षिण सीमा बिहार का किसके साथ लगता है? तो झारखंड के साथ लगता है। पढ़ा ना आपने, झारखंड के साथ, ठीक है। जिसमें से बात करेंगे, धारवाड़ की चट्टान आपको दिखेगा, बिंधे की चट्टान, ये पूरा पूरा रट लीजिए, ठीक है, बहुत प्रश्न पूछेगा इसमें से, ठीक है। धारवाड़ के चट्टान कहाँ था? मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में दिखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से गया और नवादा जो है सीमा बनाता है, किससे किससे सीमा बनाएगा? तो झारखंड से सीमा बनाता है, ठीक है। मुंगेर में, जमुई में, ठीक है, नवादा में, गया में, ठीक है, सभी जगह पे क्या मिलेगा? धरवार की चट्टान। और बिंधे की चट्टान दो जगह पे मिलता है, ठीक है, कैमूर में, रोहतास में, ठीक है, ध्यान रखे। कहाँ कहाँ पे? कैमूर में, रोहतास में, ठीक है। तो कैमूर की बात करेंगे तो रोहतास की बात करेंगे, तो रोहतास उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और किसके साथ सीमा बना रहा था रोहतास? झारखंड के साथ, झारखंड के साथ, ठीक है। किसके साथ?
झारखंड के साथ सीमा बना रहा था। किसके साथ बना रहा? झारखंड के साथ, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को आप क्या करें, ध्यान में रखें। आप चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे, आगे चलेंगे तो आप क्या है आपका, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो बिहार के उत्तर गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, रख लीजिए, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, तो बिहार के उत्तर गंगा के प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो चौर या मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो चौर कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौर या मन कहते हैं इसको, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलिए, क्या कहते हैं, चौर या मन, ठीक है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रटवा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या चौर बोला जाता है या फिर मन बोला जाता है, ठीक है। गांव देहात में सुनते हैं ना, सर चौर में क्या करने गया था, ठीक है। तो ध्यान में रखें, क्या होता है, जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र होता है, ठीक है, इसको चौर या फिर मन कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो दियारा प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दियारा प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखें, उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चौर, ठीक है, एक प्रकार के गोखुर झीलों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो गोखुर झीलों का निर्माण करते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि जो पाया जाता है, जिसको चौर या मन कहते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। उसको आप देखोगे तो उसको मतलब ये चौर और मन जब मिलेंगे तो बहुत सारे गोखुर झीलों का मतलब क्या करेंगे, गोखुर झील के रूप में मतलब देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए दक्षिणी गंगा मैदान में, ठीक है, तटबंध में लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, टाल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं, ठीक है। उत्तर गंगा का मैदान किसके लिए, तो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर गंगा का मैदान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूं जब आपको, ठीक है। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या बोला, चौर या मन कहते हैं। गंगा के मैदानी भाग क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे उत्तर गंगा के मैदान कई मन चौर, ठीक है, किस रूप में निर्माण होते हैं, तो गोखुर झीलों के रूप में। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे, ठीक है, दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेगा। आप चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखेंगे धारवाड़ विंध्य टर्सरी और क्वार्टरनरी के बारे में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अब धारवाड़ की बात करें, इसका निर्माण जो प्री कैम्बियन काल में हुआ, कब हुआ था, तो चट्टान है ये धारवाड़, या फिर विंध्य की बात करेंगे तो इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्बियन काल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे धारवाड़ में बोले थे जिला को याद करने के लिए, चट्टान वाला प्रदेश जो झारखंड से सटा होगा, इसमें आपका मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, गया है, राजगीर है, और विंध्य में दो में बताया था, ठीक है, क्या होगा, कैमूर और रोहतास हो जाएगा। अगर पूछेगा बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो धारवाड़, ठीक है, क्या हो जाएगा, धारवाड़ जो है बिहार का सबसे प्राचीन क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विंध्य की बात करेंगे तो विंध्य की बात दूसरा सर आवाज नहीं आ रही है। क्षेत्र है, क्या है दूसरा पहाड़, दूसरा की बात करेंगे, ठीक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, तो धरवार की बात करेंगे तो प्री कैम्बियन काल का है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बिहार के सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। विंध्य की बात करेंगे तो ये भी आपको प्री कैम्बियन काल का है, कैमूर, रोहतास आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र यही है, ठीक है। बात करेंगे विंध्य का जो इलाका जो है ना,
ठीक है, विंध्य वाला जो इलाका जो कैमूर होता है, ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है, क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, और सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर जो होता है कच्चा माल होता है, इसीलिए सीमेंट उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, टर्सरी की बात करेंगे तो प्री एस्टोसिन है, क्या है, प्री एस्टोसिन है, और पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलता है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है, सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो बिहार में सबसे प्राचीन की बात करेंगे धारवाड़ हो जाएगा, सबसे नवीन की बात करेंगे तो सोमेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन में सोमेश्वर, सोमेश्वर, और सबसे मतलब क्या, तो सबसे मतलब नवीन में मतलब क्या होगा, सोमेश्वर और उसमें भी सोमेश्वर, सबसे पुराना में बताइए क्या होगा। धारवाड़ हो ठीक जाएगा। है, सबसे पुराना में धारवाड़ और सबसे नवीन में सोमेश्वर। ठीक है, आप देखेंगे क्वाटरनरी, ठीक है, प्लीस्टोन, प्लीस्टोसिन एवं, ठीक है, होलोसिन एज का है, गंगा का मैदान आपको देखने को मिलता है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। बिहार का मैदानी भाग की बात करेंगे अप्रॉक्स 96% के आसपास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं बिहार की जलवायु, किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। ठीक है, हमारे मौसम क्या होता है, मौसम बदलते रहता है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, लेकिन इसी डाटा को हम 10 साल, 15 साल, 20 साल का फिक्स कर दें, एक एवरेज निकल जाता है, इस मौसम में ये चीज होता है, जैसे मई जून में बारिश होती है, जून जुलाई में बारिश होती है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इस साल होगा ही, लेकिन 10 साल की डाटा को देखें तो 8 सालों तक जून जुलाई में बारिश हुई है। ठीक है, तो ये चीज तो फिक्स हो जाता है, ये चीज फिक्स हो जाता है, जून जुलाई में बारिश होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, तो वो मतलब जलवायु होता है। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा जलवायु का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, जलवायु शब्द जो है, ठीक है, जल और वायु से बना है। ठीक है, मौसम शब्द की बात करेंगे तो अरबी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो चीज आपको जानना है, एक चीज क्या जानना है, तो सबसे पहले आपको जानना है इसमें मतलब बिहार की जो जलवायु जो है किस प्रकार की जलवायु है, तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, बिहार में जलवायु को प्रभावित या फिर निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख कारक है, उसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। ठीक है, चलिए, पहला कारक क्या है, अक्षांशीय स्थिति। पहला कारक क्या है, तो अक्षांशीय स्थिति है, क्या है, अक्षांशीय स्थिति। फर्स्ट कारण क्या, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारण क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति। तीसरा कारण बंगाल की खाड़ी से दूरी। चौथा कारण उच्चावच। पांचवा कारण मानसून का प्रभाव इत्यादि। ये सारे के सारे कारण हैं जो कि बिहार के जलवायु इन कारणों से मतलब क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, आप देखेंगे बिहार की उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोल वेदताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जलवायु में बिहार में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए बहुत बहुत सारे ज्योग्राफी को समझने वाले, मतलब तो भूगोल को समझने वाले जो लोग थे, उन्होंने बांट दिया। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपसे पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कोपेन के अनुसार। ठीक है, कोपेन के अनुसार बिहार का जो मतलब जलवायु जो है, उत्तर बिहार का क्या है, दक्षिण बिहार का क्या है, ये 5 बार पढ़िए कम से कम। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो बात करेंगे कोपेन के अनुसार, अगर बात करेंगे तो बिहार की जलवायु उत्तर बिहार में CWG है, क्या है, सी, क्या बोलेंगे, CWG। ठीक है, और दक्षिण बिहार की बात करेंगे तो AW, क्या है, AW। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कोपेन के अनुसार अगर बात करेंगे तो उत्तर बिहार की जलवायु को संकेत के रूप में अगर देखेंगे तो CWG बोलते हैं, और दक्षिण बिहार में क्या बोलते हैं, तो AW बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AW बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। नहीं, ठीक है, चलिए। आप देखेंगे त्रिवार्ता के अनुसार, ठीक है, त्रिवार्ता के अनुसार अगर देखेंगे तो उत्तर बिहार की जलवायु को CAW बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CAW बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CAW बोलते हैं। ठीक है, और उसका दक्षिण बिहार को इसने भी AW ही बोला है, क्या बोला है, AW ही बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे इसने मतलब त्रिवार्ता ने क्या बोला, उत्तरी बिहार को CAW और दक्षिण बिहार को इसने भी AW बोला। ठीक है, थॉर्नवेट की बात करेंगे तो इसने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW कहा है, और शेष बिहार को क्या बोला, CAW। ठीक है,
CAW, लेकिन आप दोनों का याद रखें, कोपेन के अनुसार CWG उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का AWG, तिवार्था के अनुसार CAW और दक्षिण बिहार का इसने भी AW ही कहा, ठीक है ये फॉर्मेट छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन दोनों का याद रखिए, खास करके ये वाला तो बिल्कुल ही याद रखिए, ठीक है, कोपेन से ही कोपेन हेगन बना है, ठीक है ध्यान में रखना है। अब चलेंगे बिहार में सामान्यतः तीन प्रकार की ऋतु पाई जाती है। पहला ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है, यह मार्च से लेकर मध्य जून की स्थिति होती है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, मार्च से लेकर मध्य जून की स्थिति जो होता है ग्रीष्म ऋतु होता है। सूर्य की स्थिति की बात करें उत्तरायण होता है, कैसी होती है उत्तरायण होता है, ठीक है ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे इस मौसम में पश्चिमी तथा मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है, ठीक है। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट लीजिए। तो इस मौसम में पश्चिमी तथा मध्य बिहार में किस प्रकार की हवा चलती है, तो गर्म हवाएं चलती है जिन्हें क्या बोलते हैं, तो जिन्हें लू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो जिन्हें लू कहा जाता है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात इस मौसम का जो औसत तापमान जो होता है ना, अभी का इस समय का मौसम का, वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और सबसे ज्यादा जो तापमान जो होता है गया में चला जाता है, वो लगभग 47 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। कितना चला जाता है गया का तापमान, 47 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा। लेकिन एवरेज की बात करें कितना होगा, 32 डिग्री सेल्सियस होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आप देखेंगे बिहार में मानसून कहाँ से आता है, तो मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या फिर काल वैशाखी कहते हैं। तो बिहार में मानसून आने से पहले, ठीक है आप देखोगे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी में, उसको किस नाम से जानते हैं, तो नार्वेस्टर के नाम से या फिर काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। इतना आपको क्या रखना है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप देखेंगे ये हमने पढ़ा जो लू के नाम से जानते हैं, 32 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है 47 डिग्री मैक्सिमम होता है गया में, मार्च से मध्य जून के बीच की स्थिति होती है, ठीक है। इस समय सूर्य कैसा उत्तरायण होता है, ठीक है, मध्य पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, ये सारे के सारे फैक्ट जो थे ग्रीष्म ऋतु के लेकर थे, ठीक है। अब चलेंगे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की बात करेंगे मध्य जून से लेकिन अक्टूबर के मध्य होता है, कैसा होता है, मध्य जून से लेकर अक्टूबर के मध्य जो होता है वर्षा ऋतु होता है, ठीक है ध्यान रखेंगे। इसके बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है, ठीक है ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछेगा, आप पूछेगा बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है, तो मध्य जून में होता है। कब होता है मानसून का प्रवेश, कब होता है बिहार में, मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब बिहार में बोलते हैं ना बारिश जो होती है पूरी तरीके मानसून के ऊपर ही निर्भर होती है, किसके ऊपर निर्भर होती है, मानसून के ऊपर ही निर्भर होती है। इसीलिए बोला जाता है बिहार के किसान जो है मानसून के साथ मतलब क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, मतलब उनकी खेती जो होती है पूरी तरीके से मानसून के ऊपर निर्भर होती है। बारिश अच्छी हुई थी खेती अच्छा हुआ, अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे तो कब होती है, तो जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच में होती है, ठीक है। अब मध्य जून में जो बारिश जो होती है, ठीक है, तो बिहार में मानसून का प्रवेश जैसे ही मध्य जून में जैसे ही प्रवेश होता है उसी समय से बारिश शुरू हो जाती है। अब बिहार में जुलाई एवं अगस्त में क्या होता है, खूब वर्षा होता है, ठीक है। अब वर्षा की बात करें 112 सेंटीमीटर पर है तो औसत वर्षा है, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है 205 सेंटीमीटर, ठीक है ध्यान में रखिएगा। सबसे कम वर्षा की बात करें औरंगाबाद में होता है, मात्र 101 सेंटीमीटर जो होता है यहाँ पे आपको वर्षा देखने को मिलता है। तो औरंगाबाद की बात करेंगे तो सबसे कम वर्षा 101, ठीक है। बात करेंगे किशनगंज की बात करें सर्वाधिक वर्षा 205, ठीक है ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो बिहार में मानसून किसकी वजह से वर्षा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, याद रख लीजिए इसको, ठीक है। किसकी वजह से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की किस शाखा से, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब बिहार में उत्तरी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ तथा दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित होता है, ठीक है। अब उत्तर बिहार में देखिएगा बहुत ज्यादा वर्षा होता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, अब दक्षिण बिहार में क्या होता है कम वर्षा होता है जिसकी वजह से क्या होता है सूखा होता है, ठीक है। क्या होता है उसकी वजह से सूखा होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे शीत ऋतु, शीत ऋतु की बात करें अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का समय जो होता है शीत ऋतु का होता है, कैसा होता है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का जो समय जो होता है शीत ऋतु का होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक का जो समय जो होता है शीत ऋतु का होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मानसून जाती है अक्टूबर के मध्य में, ठीक है, बिहार में शीत ऋतु क्या होता है शुरू हो जाता है, ठीक है ध्यान रखेंगे। अब बात के बिहार में दिसंबर एवं जनवरी में जो होती है एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत ठंड माह होता है, ठीक है। सर्वाधिक ठंडा की बात करेंगे तो क्या होता है गया जिला होता है, ठीक है।
कौन सा जिला होता है? जिला गया में सर्वाधिक ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्म की बात करेंगे तो भी गया जिला, सर्वाधिक ठंडा की बात करेंगे तो भी गया जिला, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा की बात करें औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा, ठीक है। ध्यान में वर्षा वाला सा चेंज हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रबी फसल में बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती भी नहीं है, ठीक है। बहुत कम वर्षा की आवश्यकता होती है, मतलब उतना भी कम नहीं, उतना भी कम नहीं, ठीक है। लेकिन मतलब होती है वर्षा की आवश्यकता, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होती है, ठीक है। रबी फसल के लिए आपको पता होना चाहिए कोहरा जैसा मौसम होना चाहिए। कोहरा जो होता है जिसमें क्या होता है, जल की मतलब मात्रा होती है, सॉरी वाष्प की मात्रा होती है आपको एयर में, हवा में। वैसी स्थिति की बात करेंगे तो रबी फसल के लिए उपयोगी होती है, बिहार में ये स्थिति पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे बिहार में कृषि जलवायु के बारे में बात करेंगे तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पे, ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में भी विभाजित किया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कृषि जलवायु की बात करेंगे तो क्या जोन 1 है, ठीक है, यहाँ पे जोन 2 है, ठीक है, जोन 3 है और जोन 3 ये भी है। तो जोन 3 की बात करेंगे, जोन 3 का ए है और जोन 3 का बी है, तो कितने जोन में टोटल विभाजित हो गया, ठीक है, कितने जोन में, ठीक है, ठीक है, 3 जोन में विभाजित होता है। जबकि तीसरे जोन की बात करेंगे तो तीसरे जोन में 2 जोन आते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा से पहला जोन में कौन कौन आता है, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, जोन 1 में। जोन 2 में सुपौल, सररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, जोन 2 में। जोन 3 के 2 भागों में बांटेंगे तो जोन 3 के भाग ए में बात करेंगे तो क्या है, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। जोन 3 के मतलब बी की बात करेंगे तो क्या, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, पटना, अरवल, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, किसमें पड़ेगा, तो जोन 3 के बी में पड़ेगा। तो 3 जोन में विभाजित करते हैं, याद आपको रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसी डाटा को थोड़ा मतलब वो करके दिया है, तो आप देख सकते हैं जोन 1 में कौन कौन आ रहा है, 13 जिला आता है। जोन 2 में 8 जिला आता है। जोन 3 में बात करेंगे तो 6 जिला आता है, ठीक है, जोन 3 के ए में, ठीक है, जोन 3 के बी में 11 जिला आता है। तो ध्यान में रखना है जोन 1 में कितना जिला आता है, 13 जिला आता है, ठीक है। जोन 2 में कितना आता है, तो 8 जिला आता है, ठीक है। जोन 3 के ए में कितना जिला, 6 जिला आता है। जोन 3 के बी में कितना जिला आता है, 11 जिला आता है, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। पटना किस में आता है, तो जोन 3 के बी में आता है, ठीक है, पटना याद रख लीजिए, जोन 3 के बी में आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं का निम्नलिखित सारणी से हम लोग देख सकते हैं। आप देखेंगे जोन एक में जो आता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आता है, ठीक है। ये सारे के सारे जिला जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र वाला जिला है, ध्यान में रखिएगा, तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा की बार 104 से 145 तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी के प्रधानता है, ठीक है। और खादर मिट्टी जो जानते हैं जलोढ़ मृदा का ही पार्ट है ना, ठीक है, किसका पार्ट है, जलोढ़ मृदा का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया खेती होती है, ठीक है। नवीन मृदा को खादर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सो मुख्य रूप से फसल गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का, इसकी फसल बहुत अच्छा से होती है, ठीक है। जोन 2 की बात करेंगे तो इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा की बात करेंगे तो 120 से लेकर 140 के बीच में होता है। मुख्य फसल की बात करेंगे तो जूट, धान, चाय, मक्का, इसमें आपको देखने को मिलता है। जोन 3 की बात करेंगे तो इसमें दक्षिणी क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे आपको बांगर मिट्टी देखने को मिलती है। 95 से लेके 115 तक वर्षा होती है, यहाँ पे सूखा पड़ने की संभावना भी होती है, ठीक है। बांगर मिट्टी के प्रधानता होती है जोन 3 में, ठीक है, जोन 1 में खादर में, जोन 2 में भी बात करेंगे तो मिलीजुली होती है। गेहूं, दाल, अरहर, चना यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप चलेंगे बिहार से जो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछता है वो जो है बिहार का अपवाह तंत्र। अब बिहार के अपवाह तंत्र में क्या निकल कर आएगा, तो आपको बिहार का नदी निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, बिहार का नदी निकल कर आएगा, ठीक है।
बात करेंगे बिहार की नदी की बात करेंगे तो बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। क्या है? बिहार की बात करेंगे तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से क्या है? समृद्ध राज्य। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला नदी जो है हिमालय नदी है, और दूसरा नदी जो पठारी नदी है, ठीक है। पहला नदी जो है कौन सा? हिमालय नदी है, जो हिमालय से निकलती है। दूसरा नदी जो पठारी नदी है, ठीक है। और हिमालय से नदी निकलने वाली कौन कौन नदी है, इनमें क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बात की यह सादा नीरा वर्ष भर, ठीक है, जल प्रभाव करे। हिमालय से जो नदी निकलेगी तो हिमालय पे क्या है? हिमालय पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलेगा ना, पिघलेगा ना, तो हमेशा हिमालय से जो निकलने वाली नदी जो रहेगी उसमें हमेशा वर्ष समाहित, सॉरी सारे वर्ष मतलब क्या रहेगी, पानी उसमें रहेगी, ठीक है। पठारी नदी की बात, के वर्षा होती है तो इसमें पानी होता है, वर्षा नहीं हुई तो पानी नहीं हुई, ठीक है, ये नदी सूख भी जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात के हिमालय नदी का, उत्तर बिहार से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, इसलिए उत्तर बिहार में जब बारिश होता है तो ऑलरेडी इसमें पानी होता है, ठीक है, लेकिन जब बारिश होता है जो पानी की मात्रा जब और अधिक बढ़ जाती है जो कि बाढ़ का कारण बनता है, ठीक है। अब बात करेंगे पठारी की नदी जो उल्टा जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, उत्तर से ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। ये हिमालय नदी जो है ना ये पूर्ववर्ती होती है, जबकि ये क्या होता है, अनुवर्ती होती है, ठीक है। बात करेंगे ना, ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदी जो है बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है, ठीक है। ये नदियां छोटे डेल्टा बनाती है, ठीक है, तो ये बड़े डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा तो ये भी बनाती है, ये छोटे डेल्टा बनाती है। ये हिमालय से नई नदी जो निकले नवीन अवस्था में, बाल्य अवस्था में, जबकि ये नदी जो है ना प्रौढ़ अवस्था में, पुराने अवस्था में चली गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यह मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदी है, ठीक है। हिमालय की नदी जो है मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील, ठीक है, बनाने वाली नदी है, कोसी नदी, ठीक है, अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जबकि बात करेंगे सीधी गमन करने वाली नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है, ऊपर ही बता दिया हूँ, ठीक है, बाढ़ की कम संभावना होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब इस नदी में कौन कौन है? गंगा एवं उसकी सहायक नदी आती है, गंगा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, बागमती, ऐसे सोन पुनपुन फल्गुन अजय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये नदी इसमें आती है, ठीक है, अजय नदी झारखंड में भी बहती है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये दक्षिण बिहार की नदी है, ये आपका नॉर्थ इंडिया, उत्तर बिहार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बिहार की नदी की बात करेंगे तो बिहार का नदी के मैप के माध्यम से समझाया, देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये मेन नदी जो जा रही है, ठीक है, ये गंगा है, ठीक है, ये बड़ी वाली नदी जो देख रहे हैं गंगा है, ठीक है, बहुत सारा नदी इसमें आ सकते, मिलते जाएगी, समाते जाएगी, ठीक है, देख रहे हैं ना, सारे नदी सब आके इसमें क्या आ रही, समा जा रही है, ठीक है, सारे सारे नदी इसमें आके क्या हो जाएगी, समाज में गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी ही बनेगी, ठीक है। आप चलेंगे बिहार में जो नदी जो है उसके बारे में ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे, 1 मिनट, सबसे पहले गंगा, ठीक है, सबसे पहले क्या निकलेगा, गंगा निकलेगा। गंगा आप लोग जानते हैं कहाँ से निकलती है, तो गंगा आपको ध्यान रखें गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बिहार में लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर, रट लीजिए। गंगा के बिहार में लंबाई कितनी है? चार तो सौ बिल्कुल 445 किलोमीटर, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घाघरा की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल तिब्बत है, ठीक है, ध्यान में, बहुत लोग नेपाल समझते हैं लेकिन इसका घाघरा का तिब्बत है, ठीक है। कहाँ जाके मिलती है? तो ये आपको गंगा में जाके मिल जाएगी, ठीक है, सारण के पास में जाके गंगा में जाके मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जाके मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, सारण के पास में जाके गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। बिहार में इसकी लंबाई की बात करेंगे, बिल्कुल 83 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है, बहुत डाटा पूछेगा यहाँ पे। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर है, ठीक है। गंडक की बात करें तो नेपाल से निकलती है, कहाँ से निकलती है गंडक, नेपाल से निकलती है, ठीक है, और गंडक जो है सोनपुर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, और यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं, हरिहर क्षेत्र का मेला बोलते हैं, इसी के संगम पे लगता है, ठीक है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, कितनी है लंबाई इसकी बिहार में, 260 किलोमीटर है, ठीक है। तो गंडक जो है नेपाल से निकलती है, ठीक है, गंगा सोनपुर के पास जाके मिलती है, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर है, ठीक है। आप चलेंगे बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक की बात करेंगे तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर के पहाड़ी से मिलती निकलती है, और गंगा में खगड़िया के पास जाके मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, तो बूढ़ी गंडक की लंबाई की बात करेंगे बिहार में 320 किलोमीटर, गंडक की लंबाई की बात करेंगे 260 किलोमीटर, ठीक है। बागमती की बात करेंगे तो बागमती नदी बिहार में महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी का है नेपाल में है, ठीक है, और ये कोसी में जाके मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ जाके मिलेगी,
कोसी में जाके मिल जाएगी, ठीक है। 394 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। ध्यान, कितनी लंबाई है, 394 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। कमला की बात करें, अगर ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है, ये भी कोसी में जाके मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसकी लंबाई नहीं दिया हुआ है। कोसी की बात करेंगे तो ये भी नेपाल से निकलती है, गोसाई नाथ, ठीक है, गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, ये गंगा में जाके मिल जाती है, कटिहार में, जगह का नाम पर कुर्सेला, कहाँ पे जाके कटिहार में मिलती है, तो कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है, बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महानंदा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है, गंगा में जाके मिल जाती है, कहाँ पे मिलते हैं, मालदा में, ठीक है, मालदा में जाके गंगा में जाके क्या करेगी, मिल जाएगी, ठीक है। कर्मनाशा की बात करेंगे तो कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है चौसा में, ठीक है। चौसा की लड़ाई कब हुई थी, 1539 की, 1540 में, 1540 में 1539 में ग्राम चौसा की चौसा। लड़ाई हुई थी, ठीक है, बिल्कुल। गंगा में जाके, चौसा में जाके मिल जाती है कर्मनाशा, ठीक है। सोन की बात करेंगे तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में जाके दानापुर में जाके मिल जाती है, ठीक है। कुनकुट की बात करेंगे तो झारखंड पलामू से निकलती है, कहाँ से निकलती है, झारखंड के पलामू से पुनपुन नदी निकलती है, गंगा में जाके मिल जाती है, कहाँ पे मिलती है, पटना फतुहा में, ठीक है। फतुहा जो है पटना में पड़ता है, वहां पे जाके गंडक में जाके, सॉरी, गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। फल्गु की बात करेंगे, इसको निरंजना नदी कहते हैं, इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये आपको छोटा नागपुर पठार से निकलता है, अब पुनपुन नदी के साथ गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अजय की बात करेंगे, अजय की बात करें, जमुई नदी से निकलती है, सॉरी, जमुई से निकलती है, ठीक है, गंगा में जाके मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में जाके गंगा में जाके मिलेगी, ठीक है। किउल की बात करेंगे तो किउल जो है आपका हजारीबाग झारखंड से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, हजारीबाग झारखंड से किउल आपका निकलेगी, ठीक है, ध्यान में रखिए, कहाँ से निकलेगी, हजारीबाग झारखंड से किउल आपको निकलेगी, गंगा लखीसराय में जाके मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिए, गंगा लखीसराय में जाके आपको मिलेगी, ठीक है। शकरी की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, किउल नदी के साथ गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो शकरी पहले कुइल में मिलेगी, कुइल किस में मिलेगी, गंगा में जाके मिल जाती है, जैसा कि आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछता है सो बताते हैं आपको हम, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा, गंडक जो है बिहार में कहाँ पे मिलेगा, तो गंगा सोनपुर मिलेगा, 260 किलोमीटर, ठीक है, नेपाल से। बूढ़ी गंडक बिहार में कहाँ पे मिलेगा, तो गंगा में मिल जाएगी, खगड़िया के पास में, ठीक है, सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है, इसकी लंबाई 320 है, ठीक है। बागमती की बात करेंगे तो महाभारत सेने से निकलती है, कोसी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद पूछता है इससे कहाँ गया, कोसी से गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है, ये गंगा में मिल जाती है, कटिहार में मिलती है, जगह का नाम पूछेगा ना, कुर्सेला। तो बिहार में कोसी की लंबाई 260 किलोमीटर, गंगा का लंबाई 445 किलोमीटर, ठीक है, गंडक की लंबाई भी 260 किलोमीटर, ठीक है, और 394 किलोमीटर बागमती की लंबाई। तो बिहार में दूसरा नंबर पे जो किसी नदी का सर्वाधिक लंबाई है, बागमती की लंबाई, जो कि मात्र 494 किलोमीटर है, 394 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 51 किलोमीटर, ठीक है, कितना अंतर है, 51 मैक्सिमम और सेकेंड मैक्सिमम के बीच में अंतर 51 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखेंगे गंगा नदी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बिहार में बात करेंगे तो गंगा नदी, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के, और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, लेकिन टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। बात करेंगे देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पे मिलती है, देव प्रयाग में मिलती है, दोनों का जब मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है, जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है वहां से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो देव प्रयाग में कौन मिलता है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, उसके बाद इसके मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो इसका नाम जो है तो आपका गंगा पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, इसका नाम गंगा पड़ जाता है, याद आपको रखेंगे, ठीक है। गंगा नदी की बात करेंगे तो बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं अपवाह तंत्र का आधार है, ठीक है, तो गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं अपवाह तंत्र की आधार की बात करेंगे तो आपका कौन है, गंगा ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के बाद चौसा के समीप प्रवेश करती है, कहाँ पे प्रवेश करती है, बिहार में बक्सर जिला के चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार में भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार में पश्चिम बिहार से पश्चिम बंगाल की में चली जाती है, इस कारण गंगा नदी, ठीक है, बिहार में 12 जिला से गुजरती है, रट लीजिए।
इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, कितने जिले से, 12 जिले से गुजरती है। तो सबसे पहले बिहार में प्रवेश कहाँ पे करती है, तो गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है, और कटिहार एवं भागलपुर से मतलब क्या बनाती है, सीमा बनाती हुई, ठीक है, बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और इस दौरान बिहार में 12 जिलों से प्रवेश करती है। उसमें से पूछेगा 445 किलोमीटर बिहार में जो टोटल डिस्टेंस है, सर्वाधिक डिस्टेंस की बात करेंगे पटना में है, ठीक है, क्या पूछेंगे, पटना में है। आप पूछेंगे, ठीक है, आप पूछेंगे से गंगा की सहायक नदी कौन, उनका घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, सोनपुर हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, ये सारे के सारे नदी जो है ना बिहार में गंगा से मिलती है। जबकि महानंदा और अजय की बात करेंगे तो ये नदी भी बिहार गंगा में मिलती है, लेकिन बिहार में नहीं मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है, बिहार से बाहर मिलती है, ठीक है। तब महानंदा और अजय कहाँ पे मिला, अजय जो है पश्चिम बंगाल में मिल रही थी गंगा से, ठीक है, अब महानंदा कहाँ गई, महानंदा बाहर, ये भी पश्चिम बंगाल में मिल रही थी, मालदा में, ठीक है। तो ये अजय और महानंदा की बात करेंगे ना तो बिहार में नहीं मिलती है, ठीक है, गंगा में तो मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है तो क्या बताएंगे, कहाँ मिलती है, तो पश्चिम बंगाल पश्चिम में बंगाल, जाके गंगा से मिलती है। बाकी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, सारा के सारा कहाँ पे मिलती है, तो ये आपको बिहार में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बांग्लादेश में बात करें, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, किस नाम से, पद्मा के नाम से जानते हैं, और अंत में बंगाल की खाड़ी में मतलब क्या होती है, ये आपको गिर जाती है, कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बिहार में कितने जिलों से मतलब मिलती है तो क्या बताएंगे, 12 12 जिले जिला में गंगा आपको बिहार में। सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे बिहार में किस जिला में है, पटना। पटना जिला में सर्वाधिक लंबाई, बिहार में कुल लंबाई कितनी है, 445 445। अजय और महानंदा बिहार में कहाँ पे मिलता है, पश्चिम पश्चिम बंगाल, बंगाल में। अब चलेंगे घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी की बात करेंगे तो ये मानसरोवर, ठीक है, घाघरा नदी की बात करते हैं, मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, कहां से निकलती है, तो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार में सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। तो बात करेंगे ये जो घाघरा नदी जो है, ठीक है, कहां से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, अब बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और मतलब बिहार में क्या करती है, तो सीमा बना, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे बहती है, और गंगा में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, तो सारण के पास में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम सरयू है, ठीक है, इस सरयू नदी जो है अयोध्या में जो बहती है, इसी घाघरा का ही अन्य नाम है, किसका नाम है, सरयू जो है इसी का नाम है, मैदानी भागों में किस नाम है, सरयू के नाम से इसको मैदानी भागों में जानते हैं, ठीक है, गोगरा और कर्णाली के नाम से नेपाल में जानते हैं, क्योंकि बात कर रही है नदी अगर निकल रही है तिब्बत से निकल रही है तो बिहार में उड़ के तो आएगा नहीं, नेपाल होते हुए नहीं आएगी, क्योंकि तिब्बत से तो नेपाल ही पहुंचेगा ना, तिब्बत चीन में पड़ता है, चीन अपना दावा ठोकता है, तो नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, तो नेपाल में इस नदी को गोगरा और कर्णाली के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, गोगरा और कर्णाली के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैदानी भागों में इसको सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू नदी पे कौन सा भारत, बिहार, भारत का मतलब बहुत ही मतलब प्रसिद्ध शहर है, तो अयोध्या शहर, ठीक है, ध्यान रखिए, बिल्कुल। अयोध्या। इसकी सहायक नदी में, ठीक है, राप्ती, बूढ़ी गंडक, शारदा, भेरी और सेती, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, और राप्ती नदी के किनारे एक प्रसिद्ध शहर, इसका नाम है गोरखपुर, कौन सा शहर है, गोरखपुर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलें गंडक नदी, गंडक नदी को नारायणी के नाम से मैदानी भागों में जाना जाता है, ठीक है, लेकिन इसको नेपाल में सप्त गंडकी और शालिग्रामी के नाम से नेपाल में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो सप्त गंडकी और शालिग्रामी के नाम से नेपाल में जानते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मैदानी भागों में नारायणी के नाम से, इसको सरयू के नाम से मैदानी भागों में घाघरा को जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब गंगा जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो पहले तो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी रहती है, जब मिलती है तो मैदानी भागों में इसको गंगा के नाम से जाने लगते हैं, ठीक है, अलकनंदा और किसकी, भागीरथी का, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे गंगा हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखिए गंडा की कुछ शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गोर्ज बनाती है, ठीक है, बिहार में भैंसा लुटन में प्रवेश करती है, ठीक है, तो गंडक की बात करेंगे तो गंडक को नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सॉरी, गंडक नदी को मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है, नेपाल में सप्त गंडकी और शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है, गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और
और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गर्ज बनाती है, जो कि नेपाल में आपको ठीक है प्रवेश करेगी भैंसा लोटन के पास में, जो कि पश्चिमी चंपारण में ठीक है, या उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी सहायक नदी में काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक, जो किसकी सहायक नदी है, तो गंडक की सहायक नदी है। ठीक है, काली गंडक, बूढ़ी गंडक और त्रिशूली जो है इसी की सहायक नदी है। ठीक है, इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को क्या कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शालिग्राम, इसीलिए नेपाल में इसको शालिग्रामी भी कहते हैं, क्योंकि शालिग्राम मिलता है इसलिए शालिग्रामी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आप देखेंगे, ठीक है, बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक की बात करें, ये सोमेश्वर सन्नी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहती हुई अंत में खगड़िया जिले में जाकर गंगा में नदी में मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक की बात करेंगे, तो सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में जाके खगड़िया जिले में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका अन्य नाम की बात करेंगे तो शिकरहना, क्या नाम हो जाएगा, शिकरहना जो है इसका अन्य नाम है। ठीक है, इसकी सहायक नदी में मसान, बालोर, तीर और धनौती है। कौन है, इसकी सहायक नदी में क्या होगा, मसान, बलौर, तीर और धनौती है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, याद रहेगा ना। तो इसकी सहायक नदियां की बात करेंगे तो मसान, बालोर, तीर और धनौती है। आगे चलेंगे तो बागमती, ठीक है, यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। तब बागमती नदी कहाँ से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। किस देश से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे आगे, तो क्या निकल कर आएगा आगे, कुछ चीज के बारे में जानेंगे। तो कुछ चीज क्या है, तो इसके बारे में देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखना है ये अंत में जाके सीतामढ़ी जिले में क्या करती है, किसके साथ मिलेगी, गंगा के साथ मिले, सॉरी सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में जाके गंगा में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, तब बागमती नदी की बात करेंगे तो सीतामढ़ी जिले में मतलब क्या करेगी, प्रवेश करेगी और अंत में जाके गंगा में जाके क्या होती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, तब महाभारत श्रेणी से आपको कौन सी नदी निकलती है, तब बागमती नदी निकलती है, ध्यान में रखेंगे। पहले बात करेंगे तो पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो पहले किस में मिलती थी, तो पहले बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां में, ठीक है, लाल बकिया, लखनदेई, ठीक है, लखनदेई अच्छा नदी है। ठीक है, मनहोरा, अंधवारा, विष्णुमती, ये सारे के सारे बागमती के मतलब क्या है, तो सहायक नदी है। ठीक है, नेपाल में मतलब बात करेंगे ना, बागमती नदी के तट पे ही, ठीक है, काठमांडू में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर जो है नेपाल में बागमती नदी के ही तट पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोसी की बात करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट नदी बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यह नेपाल के उत्तर पूर्व स्थित, ठीक है, गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में, ठीक है, सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसे मतलब है, सप्तकोशी के नाम से किसे जानते हैं, कोसी को जानते हैं, क्योंकि यह सात धाराओं से मिलने से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्माण सात धाराओं से मिलने से होता है, इसलिए सप्तकोशी के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, कोसी नदी की बात करेंगे तो बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कुर्सेला कहाँ पड़ता है, तो कटिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कटिहार में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, तो कुर्सेला में गंगा में जाकर विलीन हो जाती है कोसी नदी, याद रखिएगा। ठीक है, कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के कारण इसको कुख्यात कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बिहार का शोक या फिर बिहार का अभिशाप भी कहते हैं कोसी नदी को। इसकी सहायक नदी में अरुण हो गया, तमोर हो गया, लीखू हो गया, दूध कोसी, तमा कोसी, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती भी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सुन कोसी, इसके सारे के सारे सहायक नदी हैं। महानंदा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में क्या करती है, मिल जाती है। ठीक है, और ये उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी है, तो उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी हो जाएगा। ठीक है, जो कि नेपाल के दार्जिलिंग स्थित पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी में पेन्नौर, नागर और बालासार और मेची है। ठीक है, कौन है इसकी सहायक नदी में, तो इसकी सहायक नदी पेन्नौर, नागर, बालासार और मेची है। ठीक है,
अब चलेंगे कर्मनाशा, ठीक है। कर्मनाशा नदी के बारे में देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी में होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? विंध्य पहाड़ी से होती है, और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो कर्मनाशा की बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है, और ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। यह नदी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी नदी की बात करेंगे तो महानंदा, और सबसे पश्चिमी नदी की बात करेंगे तो कर्मनाशा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? तो सबसे बात करेंगे इसको अभिशाप मानते हैं, किसको अभिशाप मानते हैं? बिहार का कोसी को, ठीक है। अपवित्र कर्मनाशा किसे मानते को हैं? तो कर्मनाशा को अपवित्र मानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब चलेंगे अगला, तो बिहार में आएगा सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी की बात की, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। ये रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले, ठीक है, झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। तो रोहतास की बात करेंगे जो कि झारखंड के साथ सीमा भी लगाता है, गढ़वा जिले की बात करेंगे झारखंड के बीच मतलब क्या करता है, बिहार में प्रवेश करता है। रोहतास में भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा में मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाती है? सोन नदी गंगा में मिल जाती है, कहाँ पे? मनेर दानापुर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यमुना। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना के बाद ये नदी जो है ना, क्या नाम इसका? सोन नदी, ठीक है। तो यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी यमुना, और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन, कौन हो जाएगा? सोन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसकी प्रमुख नदी में रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, रिहंद परियोजना भी है सोन नदी पे, ठीक है, उत्तरी कोयल, कन्हार, सारे के सारे इसी पे है। सोन नदी पे बात कर, डेहरी डैम बना है, ठीक है, डेहरी डैम बना है, ठीक है। तो इसको उत्तराखंड मार दीजिएगा, ठीक है, उत्तराखंड नहीं होगा इसका सोन का, उत्तराखंड में भी डेहरी है, ठीक है, लेकिन दूसरा डेहरी डैम है, ठीक है। तो यहाँ पे डेहरी बांध है, ठीक है, रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो बाण सागर बांध जो है सोन पे, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। डेहरी की बात करेंगे रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज की बात करेंगे रोहतास में। सोन नदी पे बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र जो है बना दिया है। अब चलेंगे पुनपुन, ठीक है। ये झारखंड के कहाँ से निकलती है? तो पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तथा बिहार में औरंगाबाद जहानाबाद होती है, फतुहा में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे जाके गंगा में मिल जाएगी? ठीक है, कहाँ पे जाके अच्छा गंगा में मिले? फतुहा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फतुहा में जाके मतलब क्या होती है? गंगा में जाके मतलब क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में मनोहर, मादर, दर्धा आदि है, ठीक है। तो कौन है? तो मनोहर की बात करेंगे, ठीक है, मादर की बात करेंगे, दर्धा की बात करेंगे, तो ये आपके सोन के मतलब क्या है? तो सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान में, सॉरी, पुनपुन के सहायक नदी है। दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुनपुन ही दक्षिण बिहार का दूसरी प्रमुख नदी है, ठीक है। आप चलेंगे फालुगु नदी, ठीक है। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजल, निरंजना तथा मोहना नदियों से मिलने से बनती है, ठीक है। तो फल्गु नदी का निर्माण किससे होता है? निरंजना एवं मोहना के नदी से मिलने, निरंजना तथा मोहना नदी से मिलने से फल्गु नदी का निर्माण होता है। निरंजना नदी को लीलाजन के नाम से भी जानते हैं। किस नदी से भी जानते हैं? नीलाजन के नदी से नाम जानते हैं, ठीक है। अंत में गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, ठीक है। अंततः बात करेंगे तो गया होते हुए पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है, ठीक है। तो अंततः की बात करेंगे गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो कि गंगा की उपनदी है, ठीक है। गया में बात करेंगे तो फल्गु नदी के बाद विष्णुपद मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विष्णुपद मंदिर है, ठीक है। तो गया में फल्गु नदी के पास कौन सी मंदिर है? विष्णुपद मंदिर है। यहाँ पे क्या होता है? पितृपक्ष के दौरान, ठीक है, लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फल्गु नदी पे भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बांध बनाया गया, जिसको गया जी डैम बोलते हैं। कौन बांध बनाया गया है? रबर रबर डैम, रबर डैम को गया जी डैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को मतलब क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप चलेंगे, अब कुछ शहर हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी पटना के गंगा नदी के किनारे पटना, मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, फतुहा, पुनपुन नदी, गंगा नदी, संगम ये मिलता है ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद गया फल्गु नदी के किनारे, दरभंगा बागमती नदी के किनारे, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे, सोनपुर
गंडक नदी के किनारे, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे नदी जो है आप क्या करने हैं, याद रखने, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इंपॉर्टेंट की बात करूंगा तो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ये तीनों, गंडक नदी वाला याद करके, खगड़िया गंडक नदी के किनारे थोड़ा डिफरेंट है, अलग लग रहा है। भागलपुर याद कर लीजिए, मोकामा याद कर लीजिए। अब चलेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। तो नदी घाटी परियोजनाएं की बात करेंगे तो बिहार की, तो इसका जो वीडियो जो है आपको पार्ट टू में इसका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका वीडियो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, जब तो इसका पार्ट टू करेंगे ना, तो पार्ट टू में हम लोग इसका वीडियो देखेंगे, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ।